यारे ये कैसे हो सकता है? आज तो बहुत ही ज्यादा बड़ी दिक्कत हो चुकी है मेरी पूरी की पूरी चीता फैमिली इस वैन के ऊपर अटक चुकी है मुझे उनको कैसे भी करके बचाना पड़ेगा पर ये रहे। और आपको तो पता है चीता और लोयन की कितनी बड़ी दुश्मनी होती है मुझे अपनी फैमिली को बचाना है कैसे बचाऊ ये फैन कभी भी नीचे गिर सकता है तो मेरे दुश्मनों ने मेरी फैमिली वालों को उस वैन के ऊपर लटका दिया है हमें उनको कैसे भी करके बचाना पड़ेगा मेरे पास एक आईडिया तो है मैं अगर जंप करके उन तक पहुंच जाऊं तो मैं उनको बचा लूंगा पर जंप कैसे करूंगा क्योंकि मेरी जंप करने की पावर तो बहुत ही ज्यादा कम है आप देख सकते हो मैं कितने छोटे छोटे जम कर रहा हूँ और अगर मैंने जम्प किया और मैं गलती से इधर चला गया तो ये सारे के सारे लोयन मेरे पीछे पड़ जाएंगे और मुझे खा जाएंगे ये लोग कितने खतरनाक लग रहे हैं अरे बेटा तू टेंशन मत ले मैं तुझे बचा करूंगा क्या करूं क्या करूं मुझे कैसे भी करके अपने जंप करने की पावर को बढ़ाना पड़ेगा पर कैसे मेरी बात सुनो बच्चे तुम अपनी फैमिली वालों को बचाना चाहते हो मुझे अपनी फैमिली वालों को बचाना है प्लीज मेरी मदद कर दो वरना वो सारे के सारे लॉयर उनको खा जाएंगे उनकी वैन कभी भी नीचे गिर सकती है बच्चे मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी फैमिली बहुत ही ज्यादा खतरे में मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा तुम देख सकते हो मेरे पास खतरनाक चीता शेक इस चीता शेक को पीने से तुम अपग्रेड हो जाओगे और तुम्हारे जम करने की पावर भी बढ़ जाएगी फिर तुम अपनी फैमिली वालों को बचा सकते हो क्या फिर तो ये चीता शेक मुझे जल्दी से पी लेना चाहिए रुक जाओ बच्चे मैं तुम्हें ये चीता शेक दूंगा पर उसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा तुम अपनी फैमिली को बचाना चाहते हो उसके लिए तुम्हें किसी और की फैमिली को बचाना पड़ेगा क्या कैसे मैं नहीं समझा मैं समझाता हूँ हमारे पीछे कुछ

अच्छा ठीक है अब बताओ क्या बोल रहे थे सॉरी सॉरी मैं नहीं पीऊंगी मैं नहीं पीऊंगी रुक जा रुक जा रुक जा नहीं 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 सॉरी 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 अगली बार अगर सिगरेट पीना तो पूरा का पूरा ब्लास्ट कर दूंगा ए आंटी आपको अलग से समझाऊं क्या अरे मैं तो पीती नहीं हूं मैं तो सिर्फ देखती हूं अगली बार से देखना भी मत समझ गए ना हाँ। ये तो बहुत ही ज्यादा इजी था तो कैसर अभी हमने उन दोनों आंटियों को समझा दिया कि सिगरेट पीना बहुत ही खराब बात होती है अंकल अंकल मैंने उनको समझा दिया वो दोनों समझ चुकी है बहुत बढ़िया बच्चे तुमने अपना काम किया ये लो ये चीता शेख तुम्हारा हुआ पी लो इसे ओके चलो कैसर अब ये बढ़िया सा चीता शेख हमें मिलने वाला है देखते हैं इसको पीने से क्या मैं अपग्रेड हो पाऊंगा एक खतरनाक ऐसी चीता में और अपने फैमिली वालों को बचा पाऊंगा क्या अरे बेटा बचा लो चलो फटाफट アッカッカッカッカッカッカッカ。

है मुझे और अपग्रेड होना पड़ेगा मुझे पीना पड़ेगा और भी चीता शेक ताकि मैं अपने जंप करने की पावर को बढ़ा सकूँ मेरी बात सुनो मैं तुम्हें बचाने वापस जरूर आऊंगा मुझे और चीता शेक चाहिए चलो फटाफट पड़ चलते और भी चीता शेक कलेक्ट करते है मेरा बेटा हमें बचाने जरूर आएगा बेटा तो कैसर मुझे अपने फैमिली वालों को बचाने के लिए चाहिए होगा बहुत सारा चीता शेख ताकि मैं अपग्रेड होकर उनको बचा सकूं एक सेकंड हाई आरोप क्या कर रहा है कोई तो मेरी मदद करो आ, 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 कोई तो मेरी मदद करो अरे हाई क्या हो गया तू रोक रहे और बिल्ली मेरी बात सुन मेरी मदद कर मुझे तेरी मदद की जरूरत है पहली बात तो मैं बिल्ली ने चीता और वो सब सेम ही जा चुकी है और ये लोग मुझे अंदर नहीं घुसने दे रहे तुझे उसको रोकना पड़ेगा बिल्ली अबे मैं तुझे कितनी बार बोलू मैं बिल्ली नहीं चीता, चीता। और मैं तेरी मदद क्यों करूँ क्यूँकी मुझे पता है तुझे क्या चाहिए चीता शेख मेरे पास बहुत सारा चीता शेख है अगर तू मेरी मदद करेगा तो मैं तुझे चीता दूंगा अरे तो पहले बोलने का था ना अभी जाकर वोडा को वापस लेकर आता हूँ तुम इधर से नहीं जा सकते ये पुलिस वाले तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे तुम्हें और कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा तुम टेंशन मत लो चीता शेख के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ कहीं ना कहीं से रास्ता जरूर खोजूंगा पर वोंडा को मैं तुम्हारे पास वापिस ला कर रहूंगा तू कहीं सर अभी हम निकल चुके अपने खतरनाक ऐसी मिशन के

इसको फोड़ना ही पड़ेगा अंकल रोको प्लेन को वरना इसको फोड़ दूंगा और ये क्या काईजर? मैंने तो यहाँ पर पूरा का पूरा प्लेन फोड़ दिया है इसके सारे विंग्स निकल चुके हैं इसका मतलब ये प्लेन अब नहीं उड़ पाएगा जल्दी बाहर अरे ये मुझे कौन बुला रहे मुझे देखना पड़ेगा इस प्लेन को क्या हो गया अरे क्या हो गया कौन हो तो? मुझे क्यों बुला रहे थे और जरा आप देख सकते हो हमने बिल्कुल सही प्लेन को रोका था वोट हमें मिल चुकी है अरे तुमने प्लेन को क्यों ब्लास्ट कर दिया अब मैं से कैसे तुम यहाँ से नहीं जा सकती हल्क ने बोला था तुमको लाने के लिए अब मैं तुमको लेके जाने वाला हूँ हल्क हाँ के पास नहीं मैं हल्क हाँ के पास नहीं जाऊंगी मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी अरे तुमने तो उसके साथ ब्रेकअप कर लिया पर हल्क बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका है वो तो चार दिन से रोए जा रहा है रोए जा रहा है क्या बोल रहे हूँ मतलब है उसको लग रहा था पहले से कुछ बुरा होने वाला है इसलिए वो चार दिन से रो रहा है और अभी वो सुबह सुबह एक गाड़ी के सामने कूद गया वो तो गाड़ी मैं चला रहा था इसलिए मैंने उसको बचा लिया वरना वो तो मर जाता ये तुम क्या बोल रहे हो हल्क मरने वाला था हाँ वो तुम्हारे लिए मरने वाला था क्योंकि तुम उसको छोड़कर जा रही थी ऐसा कैसे हो सकता है तुम्हें तो उसके पास जाना पड़ेगा जल्दी चलो ओके ठीक है मैं तो गाइजर अभी आप देख सकते हो फाइनली हमने वोंडा को मना लिया है वापस से हल्क के पास जाने के लिए इसको फटाफट से लेके चलते हैं हल्क के पास और गाइजर हमें मिलने वाला है वो खतरनाक सा चीता शेख चलो वोंडा चलो 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 मैं अपने हल्क बेबी से वापस से मिलूंगी ओए वोंडा तुम वापस आ गई से से तुम दोनों वापस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन चुके हो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ओए बिल्ली बहुत बहुत शुक्रिया अगर तू ना होता तो बताने क्या होता अरे मैं बिल्ली नहीं चीता हूँ चीता वो सब छोड़ो मुझे मेरा चीता शेक दे दो ओके मैं तुम्हें अभी देता हूँ ये जैसा की मैंने बोला था

करते जाओ जंप 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 और हम यहाँ पर बढ़िया सा जंप करने वाले ये लॉयंस मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं अपनी फैमिली वालों को बचाने आ चुका हूँ थ्री टू वन लेट्स गो ये क्या मैं तो बहुत ही ज्यादा पास पहुंच गया था और एक मैं तो सही में बहुत ही ज्यादा पास पहुंच गया था मैंने उनकी गाड़ी को लगभग टच कर दिया था पर अभी भी हमारे जंप करने की पावर थोड़ी सी कम है आप देख सकते हो धीरे धीरे वो वैन नीचे की तरफ गिरती जा रही है वो कभी भी टूट कर नीचे गिर सकती है और ये सारे के सारे हमारी पूरी फैमिली को खा जाएंगे मैं ये नहीं होने दे सकता मुझे कैसे भी करके अपनी पूरी की पूरी फैमिली को बचाना ही होगा तो हमारे पास टाइम बहुत ही ज्यादा कम है चलो फटाफट से चलते हैं अपग्रेड होते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक चीता में तो कैसे अभी आप देख सकते हो हम लोग जमा करने आ चुके हैं और भी चीता शेख वो भी इस खतरनाक से चैलेंज में Ha ha ha! तुम्हारा स्वागत है इस खतरनाक चैलेंज में ये होने वाला है मरो या फिर करो चैलेंज मरो या फिर करो लगता है कुछ बहुत ही खतरनाक होने वाला है और आप देख सकते हो तीन तीन कंटेस्टेंट यहाँ पर आ चुके हैं इस खतरनाक से चैलेंज को करने के लिए मैं ही जीतूंगा ये चैलेंज जीतना तो सब चाहते हैं पर ये तो जानने की चैलेंज क्या है अंकल फटाफट ऐसी पड़ बताओ मैं तुमको बताता हूँ ये चैलेंज कितना खतरनाक है तुम तीनों को अपना अपना हेलिट कॉप्टर लेकर आसमान में पचास हजार फीट ऊपर पड़ जाना पड़ेगा और वहां से जंप करना पड़ेगा इस स्विमिंग पूल के अंदर तुम तीनों में से जो भी परफेक्ट जंप कर लेगा उसको मिलेगा खतरनाक शेक वो हो सकता है स्पाइडरमैन शेक या फिर चीता शेक या फिर थॉर शेक वो तो जो जीतेगा उसको ही मिलेगा सर ये चैलेंज तो सही में बहुत खतरनाक है पर मुझे इसको कैसे भी करके जीतना पड़ेगा हमें हेलीकॉप्टर में पचास हजार फीट ऊपर जाकर जम्प कर कर इस स्विमिंग पूल के अंदर लैंड करना है कोई नहीं जाएगा सबसे पहले मैं जाऊंगा मैं दिखाता हूँ कैसे चैलेंज को कंप्लीट किया जाता है हा हा हा, हा। मैं इस हेलीकॉप्टर में फीट हा, हा, हा। तो और ये चार फुल स्पीड में हवा में पचास हजार फीट ऊपर जाना पड़ेगा आसमान में जहाँ पर बादल भी नीचे हो जाते हैं ये तो सही में बहुत ही खतरनाक होने वाला है ऊपर जाने में तो बहुत ही ज्यादा टाइम लगने वाला है पर नीचे आने में बिल्कुल टाइम लगने वाला तो कैसा आप क्या चाहते हो जल्दी-जल्दी कमेंट करके बताओ कौन ये चैलेंज जीत जाए अगर आप चाहते हो थॉर जीते तो जल्दी कमेंट करो गुड लक थॉर अगर आप चाहते हो स्पाइडरमैन जीते तो गुड लक स्पाइडरमैन कमेंट कर देना और मुझे पता है सबके सब चाहते हैं कि मैं जीतूं तो गुड लक चीता कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना अब देखो मैं यहां से जंप करने वाला हूं मैं पहुंच चुका हूं ऊपर और कैसा आप देख सकते हो थॉर फुल स्पीड में नीचे आ रहा है आ रहा है आ रहा है क्या ये स्विमिंग पूल में लैंड पाएगा और ये नहीं कर पाया नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है तो कई सर इसी के साथ थोर होता है डिस्कालीफाई अब बारी, मे बारी आ चुकी है स्पाइडर मैन की हाँ स्पाइडर में तेरी बारी है जाना अरे ये तो ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है अरे कुछ खतरनाक नहीं है जल्दी जाओ और पानी में लैंड कर ले बहुत इजी होगा ये क्या स्पाइडर मैन तो यहाँ पर डर कर भाग चुका है पर मैं कहीं नहीं भागने वाला तो और यहाँ पर फेल हो चुका है पर कहीं हम तो यहाँ पर बिल्कुल जीतने वाले हैं चल वे चीता अब तेरी बारी आ चुकी है तुझे इस चैलेंज को जीतना ही होगा अगर तुझे चाहिए चीता शेख चीता शेख तो मुझे चाहिए और मैं लेकर ही रहूंगा तो से चलते है, में बैठते हैं हेलीकॉप्टर कर है, करेंगे और लाइक और सब्सक्राइब करने से तो और भी ज्यादा चांसेस हमारे पढ़ने वाले इस चैलेंज को जीतने के तो जल्दी जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना और कायसर हमारा हेलीकॉप्टर यहाँ पर उड़ चुका है हमें यहाँ पे आराम से बिल्कुल सीधा सीधा इसको

दुनिया का सबसे खतरनाक पावरफुल जंपिंग चीता तो हमने बहुत सारे चीता तो पी लिए अब बारी आ चुकी है दुनिया का सबसे खतरनाक चीता बनने की इसलिए हम लोग आ चुके हैं एवेंजर्स पर हमें पर चुराना है ड्रॉइंग मैजिक बोर्ड ड्रॉइंग मैजिक बोर्ड ही हमारी मदद करने वाला है दुनिया के सबसे खतरनाक चीता बनने में पर कैसे एक छोटी सी दिक्कत है मैं उनसे मांग नहीं सकता मुझे चुपचाप चुराना ही पड़ेगा कैसे भी करके तो यहाँ पर देख ले तो कोई है तो नहीं ना कोई भी एवेंजर

हमें वो खतरनाक सा ड्राइंग मैजिक बोर्ड यहाँ पर मिल चुका है इसी मैजिक बोर्ड का हमें था और में मिल चुका खतरनाक चीता बनाएंगे ये मैजिक बोर्ड आखिरकार मुझे मिल चुका है अब तो मैं अपग्रेड होने वाला हूँ दुनिया के सबसे खतरनाक चीता में इतनी जल्दी भी क्या अभी हम चिंता है हमारे घर से चोरी वो भी बिना बताए हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे अरे कई क्या हो गया मुझे जिस चीज का डर था वही हो चुका है ये एवेंजर्स आ गए हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे चोर किसी के घर में चोरी करना बुरी बात होती है तुम्हें सिखाया नहीं क्या मेरी बात सुनो मेरे पास फालतू टाइम नहीं है मुझे ये मैजिक बोर्ड चाहिए जल्दी से हट जाओ हम नहीं हटेंगे क्या करोगे इनको बताना पड़ेगा मैं क्या कर सकता हूँ अरे अरे तुम क्या फटने वाले हो मैं फटने नहीं तुमको फाड़ने वाला हूँ तो सर मैंने इनसे बात करके देख ली ये लोग

अगर ये शांति से मुझे मैजिक बोर्ड दे देते तो ऐसा कुछ करना नहीं पड़ता पर फिलहाल हमें मैजिक बोर्ड मिल चुका है इसको फटाफट से लेकर चलते और बनाते तो दुनिया का सबसे पावरफुल चीता बनाना पड़ेगा चूंकि मदद करे हमारी फैमिली को बचाने में और उसकी जम करने की तो बहुत खतरनाक होनी चाहिए तो फटाफट से ड्रॉइंग शुरू करते और बनाते

में होने वाला है लाल लाल कलर तो कैसे आप देख सकते हो हमारा चीता यहाँ पर एकदम खतरनाक सा लगने लग चुका है तो फटाफट काले -काले तो तो से सारे के सारे डॉट इसके पूरे के पूरे में बना देते हैं और उसके बाद हमारा ये चीता बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा दुनिया का सबसे खतरनाक चीता हमने यहाँ पर बना दिया है फटाफट से पूरी की पूरी बॉडी में काले काले

दूंगा। कौन तुम हट जाओ, मुझे अपनी फैमिली वालों को बचाना है पापा हा, हा, हा। और को खाने के लिए हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे क्या तुमने मेरी फैमिली वालों को अटकाया मैं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ इस लॉसेंटोस से सारे के सारे चिताओं का नाम मिटा दूंगा मैं वो तो अभी पता चलने वाला है कौन किसका नाम मिटाता है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा ये ले मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला तूने मुझे मारा तेरी ऐसी की तैसी ये, ये ले तैसे तो हम इस के बच्चे को कैसे भी करके खत्म करना पड़ेगा क्योंकि इसने हमारी पूरी की पूरी फैमिली को खतरे में डाला और ऊपर लटका दिया मैं तो इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला अबे चीता मैं तुझे खत्म करने वाला हूँ मुझे पता था तू अपनी फैमिली को जरूर बचाने आएगा इसलिए मैंने ये पूरा का पूरा जाल बिछाया ताकि मैं सारे के सारे चीताओं को इस लॉस सेंटो से खत्म कर सकूं ऐसा कभी नहीं होने वाला कोई भी चीता लॉस सेंटो से खत्म नहीं होने वाला ये मुझे इस खतरनाक से लॉयन को कैसे भी करके खत्म करना ही पड़ेगा ओ, ये ले लॉयन सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाए और चीता कमजोर <laughs> ये ले इसको तो जल्दी से जल्दी खत्म करना पड़ेगा मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हम इसको आखिरी पंच मारने वाले थ्री टू वन के ले तो कैसे इस लॉयन की तो कहानी हमने यहाँ पर खत्म कर दी अब जाकर इसके जो बच्चे छोटे छोटे लॉयन हैं उनकी कहानी भी हमें खत्म करनी पड़ेगी ये लो लॉयंस को हमने एक ही बारी में खत्म कर दिया और गाइसर हमने अपनी पूरी की पूरी फैमिली को बचा लिया चीता बेबी चीता गर्ल और चीता पापा तीनों के तीनों को हमने बचा लिया हाँ बेटा तुमने हमें बचा लिया अरे अब मैं इतना भी खास नहीं तो कई इसी के साथ हमने पूरी की पूरी लॉयन फैमिली को खत्म करके चीता फैमिली का नाम यहाँ पर रोशन कर दिया है जल्दी जल्दी कमेंट कर दो चीता तो आपको तो लाइक कर देना चैनल तो कर देना फटाफट से कमेंट करके बता दो और कैसे हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए ये बाय बाय